अस्सलाम वालेकुम ताहा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ताहा साहब, मुझे बताएं कि propioneers.com के साथ आपको कितना अर्सा हो चुका है और आप यहाँ पर किस डेजिग्नेशन पर हैं? propioneers मैंने भी रिसेंटली ज्वाइन की है, तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं यहाँ पे। और मेरा जो डेजिग्नेशन है यहाँ पे वो है आपका एडवाइजरी मैनेजर, और मैं कंसल्टेंट हूँ प्रॉपर्टी के हवाले से। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो मुझे बताएं कि जनरली रियल एस्टेट में आपको कितना अर्सा हो गया है? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए रियल एस्टेट में। दैट्स ग्रेट। तो आज आप किस प्रोजेक्ट पे हमें ब्रीफिंग देंगे? हमारा प्रोजेक्ट है अनाबिया रेजिडेंसी, उसके हवाले से ब्रीफिंग दूंगा मैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। अनाबिया देखें, जैसे कि नाम से मालूम है, बिल्कुल मेन लोकेशन है शहर में नाजमाबाद की तरफ। और नाजमाबाद में भी इस तरह से है कि जब आप गुरु मंदिर से आते हैं और टाइल मार्केट क्रॉस करते हैं, एक फर्स्ट लेफ्ट, वहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर के फासले पे 200 फुट चौड़ी सड़क पे लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा है। करंटली जो है ये स्टेट ऑफ कंस्ट्रक्शन में है और तामीराती काम भी काफ़ी तेज़ी से है। इसकी अच्छी चीज़ ये है कि ये नीचे कमर्शियल है ग्राउंड फ्लोर पे, और फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रेजिडेंशियल है। यूजली जो हमारी प्रॉब्लम होती है शहर में वो है पार्किंग की, तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये भी कवर किया हुआ है और बेसमेंट में कवर्ड पार्किंग दी हुई है रहायशियों के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि रेजिडेंस को कमर्शियल से इंट्रैक्ट कर रहा है, बाकायदा इसने प्रॉपर इस तरीके से किया हुआ है कि बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं है। लिफ्ट्स हैं कि तेज़, हर वो फैसिलिटी जो कि एक मॉडर्न लिविंग में होनी चाहिए वो यहाँ मौजूद है। इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है, CCTV कैमराज हैं, आपका प्रॉपर पार्किंग, कवर्ड कार पार्किंग है। उसके अलावा जब आप मूव करते हैं, अपना घर देखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। हॉस्पिटल यहाँ करीब है, ग्रॉसरी है, कुछ ही फासले पे आपको ग्रीन लाइन मेट्रो स्टेशन भी मिल जाते हैं। तो ऑल इन ऑल एक आइडियल प्रोजेक्ट है। दैट्स ग्रेट। और इसके साथ साथ मैं अपने देखने वालों को बताती चलूं कि हमने अनाबिया पर एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव व्लॉग जो है शूट किया था, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे अपने ऑडियंस को। तो अभी मुझे ताहा साहब ये बताएं कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से अनाबिया में क्या सूरत हाल है, कितनी कंस्ट्रक्शन जो है कम्प्लीट हो चुकी है और कितनी बाकी है? कंस्ट्रक्शन के हवाले से ये है कि ये अपना बेसमेंट तकरीबन कम्प्लीट कर चुके हैं, लिफ्ट का स्ट्रक्चर बना चुके हैं और ग्राउंड पे उन्होंने काम शुरू कर दिया है। अभी मजीद ये काम कर रहे हैं। टोटल कवर्ड एरिया जो है इसका वो 750 स्क्वायर यार्ड है, उसमें बनेंगे। ये ग्राउंड कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह गो टुवर्ड्स द रेजिडेंशियल साइड, जो कि फर्स्ट फ्लोर बनेगा इसका। दैट्स ग्रेट। और इसके अलावा मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि जब मैंने अनाबिया खुद विजिट किया था, उस टाइम पर अभी जो है हम फ्लोर राफ्ट पर थे, और अभी आप बता रहे हैं कि माशाल्लाह काफ़ी काम और ज़्यादा कम्प्लीट हो चुका है। तो बहुत सारी जो रिजर्वेशन लोगों को होती है अमूमन रियल इस्टेट के हवाले से, वो ये होती है कि जी कंस्ट्रक्शन कंपनीज प्रॉमिस तो कर लेती हैं बट टाइमली डिलीवर नहीं करती। तो आप इस हवाले से क्या एडवाइस देंगे कि जब लोग रियल इस्टेट के खरीदना चाहें तो वो किन कंपनीज की तरफ रजू करें और किस तरह, क्या वो रेड फ्लैग्स हैं जिनको उन्हें अवॉइड करना चाहिए? देखिए, propioneers की तरफ जब आप आते हैं तो आपका हम बेसिक होमवर्क तो आपका ऑलरेडी हम कर चुके होते हैं। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट एक्वायर कर रहे होते हैं, हम थॉरली इन्वेस्ट करते हैं उसमें, देखते हैं, टाइम लगाते हैं कि उसके डेवलपर की स्टडी करते हैं, उसके पास्ट प्रोजेक्ट्स को, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी हिस्ट्री को पूरा डिटेल से जाके करते हैं, फिर हम प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड लेते हैं। उससे पहले हम नहीं करते। तो एक तो जो है कॉन्फिडेंस आपका ये हो जाना चाहिए इस कंपनी में कि जी ठीक है, इन्होंने हमारे बिहाफ पे बहुत हद तक काम कर लिया, नंबर वन। नंबर टू, हम कंटिन्यूसली अपने कस्टमर्स को अपडेट रखते हैं तमाम डेवलपमेंट प्रोग्राम से, जितने भी काम हो रहा होता है कंस्ट्रक्शन अपडेट्स की वीडियोस उनको फ़ौरन भेजते रहते हैं, साइट विजिट भी उनको करवाते हैं, उनको मतलब बहुत ओपन 1-to-1 सेशंस भी अगर हम उनसे करते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और जो चीज़ पिछले 5-8 साल में हुई है, कस्टमर्स की शेक हुई है कि यार चीज़ें कहते हैं, हमसे पेमेंट भी ले लेते हैं, हमसे इंस्टॉलमेंट्स भी पूरी ले लेते हैं, लेकिन पोजिशन नहीं देते, उस चीज़ को ग्लास वॉल जो है उसको ब्रेक किया जाए। तो उस प्रस्पेक्टिव में propioneers इसलिए भी काफ़ी आगे है कि हम जो कमिटमेंट कर रहे होते हैं हम उस पर फिर पाबंद भी रहते हैं, और हम बिल्डर को भी बाउंड करते हैं कि नहीं वो जो कह रहा है वो उस पर टाइमली डिलीवर करे। दैट्स ग्रेट। ताहा साहब, मैं आपसे जल्द ही किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात करूंगी। आज के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।